हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हम अपने वीडियो में पग डॉग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं पांच पॉइंटों पे डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट होगा हिस्ट्री और ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है, फोर्थ पॉइंट प्राइस, और ये प्राइस इंडिया के हिसाब से होगा, और फिफ्थ पॉइंट कि ये डॉग इंडियन मार्केट में ब्रीडर्स के लिए कैसा प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब पहले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, वो है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पग डॉग। पग डॉग बेसिकली चाइना से बिलोंग करता है। इसको वहाँ चाइनीज पग के नाम से भी जाना जाता है और डच मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। पग डॉग चाइना से पहले यूरोप गया और यूरोप के थ्रू होता हुआ इंडिया आया। इंडिया में पग डॉग की पॉपुलैरिटी, जैसे आप हमारे एक ऐड आती थी वोडाफोन की, तो ज़्यादातर लोगों को वहाँ से पता चला कि ये पग डॉग है अपने, ये भी कोई ब्रीड है, ज़्यादातर लोगों को। अब बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। आप पग की डॉग की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है? इसके दो तीन तरीके हैं। जैसे पग की फेस पे रिंकल्स होते हैं, जितने ज़्यादा रिंकल्स होंगे उतना ही अच्छी क्वालिटी डॉग की होगी। और पग डॉग की जो टेल होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो राउंड होती है, और कई बार तो डबल राउंडेड भी होती है। तो पग डॉग की कभी भी टेल स्ट्रेट नहीं होती, एक ये भी एक फैक्टर है जिससे आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। थर्ड फैक्टर, इसका जो ईयर्स होते हैं वो गिरे होते हैं, मतलब वो बीच में से खड़े नहीं होते या स्ट्रेट नहीं होते, वो गिरे होते हैं और उनकी लाइन बिल्कुल नोज की सिदाई में होती है उनकी। तो आप ये भी चेक कर सकते हो, अगर आपके पग के कान खड़े हैं तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा कमी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, ये इसका पंच फेस्ड होता है और इसकी जो आईज होती है वो बाहर निकली होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आईज होती है इसके फेस के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस। मेल और फीमेल के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पर एज जो होती है, एज फैक्टर, वो फीमेल का मेल से ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को एवरेज लगा सकते हो कि मेल की एवरेज एज है 12.8 ईयर्स और फीमेल की एवरेज एज है 13.2 ईयर्स, तो आप इस चीज़ से देख सकते हो। अब मैं इसके वेट के बारे में बताता हूँ कि नॉर्मल इसका पग का वेट 10 केजीज होता है और इसकी हाइट 10 इंचीज से 13 इंचीज के बीच में होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा, क्या पग डॉग आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है? पग डॉग उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जो छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, जो मतलब बड़े सिटीज में रहते हैं, और वन रूम अपार्टमेंट भी होगा आपके पास तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, पग आप रख सकते हो। और ऐसी बात नहीं है कि आप बड़े इलाके में नहीं रख सकते या फिर बड़े फार्म में नहीं रख सकते, पर जैसे कई डॉग ब्रीड्स जो होती हैं वो आप छोटे रूम्स में या फ्लैट्स में नहीं रख सकते, पर पग डॉग जो है वो आप रख सकते हो। अगर आप एक सिंगल फ्लैट है या 1 BHK फ्लैट है और आप डॉग ढूंढ रहे हो तो पग आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है अपना प्राइस। चलो हम प्राइस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंडिया में डॉग, अगर एक बढ़िया क्वालिटी का आपको पग डॉग परचेज करना है तो पहली बात तो प्राइस जो है वो अलग अलग होएगा हर रीजन में, क्योंकि अवेलेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है और उसकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो एक मैं आपको एक बता देता हूँ कि कितने के बीच में हो सकता है पग। आपको पग 10,000 से 15-20,000 तक पग मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, और ज़्यादातर मिक्स, इससे कम रेट में आप जाओ मत, पर ऐसी बात नहीं कि इससे कम रेट में अच्छा नहीं मिल सकता, पर ज्यादातर आपको ये डॉग बढ़िया क्वालिटी का इसी रेट में मिलेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि क्या पग डॉग की ब्रीडिंग इंडियन ब्रीडर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, या फिर आप होम ब्रीडिंग करो तो आप प्रॉफिटेबल है। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो हमारा जो पग डॉग का लीटर साइज है वो 4 to 9 पपीज है, और इसका प्रेगनेंसी पीरियड जो है 63 डेज का है, और जो पग डॉग होता है वो इतना ज़्यादा खाना भी नहीं खाता, मतलब एज कम्पेयर टू बिग डॉग ब्रीड्स। तो आप इस चीज़ में देख सकते हैं, और ये डिमांडेबल भी है तो ये प्रॉफिटेबल है। आप ब्रीडिंग अगर इसकी करो घर में, होम ब्रीडिंग करो, तो ये प्रॉफिटेबल है। अब इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप लाइक करोगे तो हमें और
अच्छा लगेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।